इन सभी स्टंट्स करने के टाइम पे क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं इस चीज़ का मुझे फियर था और अभी ये फियर मुझसे चला गया और मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूँगी? यस, मुझे क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मैंने आखिरी के कुछ दिन ही थोड़ी बहुत, वो भी अर्जुन ने बोला कि देख स्विमिंग नहीं आती तो तू भूल जाते, कोई बहुत जल्दी निकाल देंगे. तो मैं, हम लोग रूहानियत शूट कर रहे थे पुणे में, तो मैंने होटल में ही थोड़े बहुत दिन सीखी थी. तो मुझे लगता था पानी तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वहाँ जाके मैंने फील किया कि पानी से मैं थोड़ी कम्फर्टेबल हो गई हूँ. एक्चुअली हाइट मुझे लगता था कि मैं कंफर्टेबल रहूंगी, लेकिन वो मेरे को थोड़ा डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी. वेल, अर्जुन भी पिछले साल विनर रह चुके हैं, सो उन्होंने क्या कुछ आपको टिप्स दिया था जाने से पहले कि कनिका ये तो कर ही लेना? कुछ भी नहीं, उन्होंने क्लियर ये बोला था कि देख कुछ नहीं, सब अनप्रडिक्टेबल होता है. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत, उसको लगता है कि इस चीज़ में वो बहुत अच्छा है, कई बार स्टंट्स में वही बंदा नहीं कर पाता, और कई बार ऐसा होता है किसी को कुछ नहीं आता है वो बहुत अच्छा कर जाता है. तो इट्स अनप्रडिक्टेबल, तुम यहाँ से बस काम रहना कि ठीक है हो जाएगा, मुझे करना है. इस माइंड सेट के साथ जाओगी तो तुम कर लोगी, जब माइंड अगर गिव अप कर देगा तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा. जस्ट दिस टिप. वेल, एक प्रोमो में भी हमने देखा कि आपको पंजाबी लुक बहुत पसंद है. उस प्रोमो में जिस तरीके से आपने पटियाला एंड ऑल पहना था, वो कितना पसंद करती है लुक को? बिकॉज आपके सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत बार ये लुक देखा है. पंजाबी लुक तो मुझे पसंद है, इस तो स्टार्टिंग ही पंजाबी म्यूजिक वीडियो से हुई थी, तो ऑफकोर्स मैं इंडस्ट्री की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पंजाबी कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. एंड अभी तो पंजाबी इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, मैंने भी एक रिसेंटली एक फिल्म की थी, तो आई लाइक टू बी इन पंजाबी अटायर्स, इन मैं फॉलो करती रहती हूँ पंजाबी कल्चर को. साथ ही साथ कनिका, एक वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहाँ कहीं ना कहीं रुबीना ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया था कि नहीं, कनिका ने पहले ही सेलफोन में कुछ ऑस्ट्रीजेस के लैंग्वेजेस एंड ऑल सीख लिया था, क्या वाकई ये सच है? देखिए आप सर्च करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर ऑस्ट्रीचेस की लैंग्वेज तो ऑफकोर्स. लेकिन वो बात भी ठीक है कि उनको उस समय लगा कि नहीं ये तो सीख गई है एंड इसको तो स्टंट में इस चीज़ का यू नो फ़ायदा मिल सकता है. लेकिन स्टंट तो आखिर में मैं ही जीत गई, हार गई, तो वो भी मतलब पोपट वहीं पर हो गया कि स्टंट भी हार ही गई, तो ऐसा कुछ फ़ायदा ऑफकोर्स नहीं मिला. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको फ़ोन में देख के ऐसा आप कुछ सीख नहीं सकते. फिर तो मैं स्विमिंग, तो मतलब जो मेरा डर था वो तो पहले ही गायब हो जाता है कि अच्छा हाउ टू डू स्विमिंग, तो वो सब नहीं हो सकता है. लेकिन उन्होंने उस चीज़ को उठाया था इशू कि इसने देखा है वहाँ पर फ़ोन पे, तो ठीक है मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि यस मैंने देखा था. बट वो ऐसा कुछ नहीं कि यू नो आप देख के दो मिनट में बता सकते हो या स्टंट कर सकते हो. मैंने भी स्टंट अपना 100% देकर किया, उन्होंने भी अपना स्टंट 100% देकर किया. फ़ोन में देखकर तो कुछ किसी को फ़ायदा, इट्स जस्ट कि आपको होती है ना क्यूरियोसिटी हो जाती है. मैं खाली बैठी थी वहाँ पर, तो वो क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा क्या कितने एग्रेसिव होते हैं, क्या क्या होता है, दैट सेट. हाउ, वो एक पर्टिकुलर एक लाइन बहुत फेमस हो रही है, हाउ टू टेम एन ऑस्ट्रिच देखा गया, बट वो सच है कि उस समय मुझे टेम वेम का मतलब पता नहीं था. बट ठीक है, गेम है, ये सब गेम में होते हैं, ये चीज़ें ऊपर नीचे सब. वेल, ऐसा कोई स्टंट आपको लगा जो बाकियों को वो स्टंट मिला हो और आपने सोचा हो नहीं मुझे ये स्टंट करना चाहिए था बट ये किसी और को मिल गया करने? हमको सारे स्टंट्स करने को मिले, सबको, सब मतलब एज इन सब तरीके के स्टंट सबको करने को मिले, तो ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं रहा कि ये वाले तरीके का मुझे नहीं मिला. We did almost all kinds. Well, खतरों के बाद आने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है नहीं नहीं कहीं ना कहीं ये स्टंट करना चाहिए यहाँ पे हम ये? हाँ, जो मैं नहीं कर पाई ना वहाँ पे, कई बार होता है कि आपका माइंड बिल्कुल ऐसे गिव अप कर जाता है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा. अब मुझे सोच के लगता है कि वो भी हो जाता, कर लेती ना, क्यों नहीं करा. पर मैं कई बार डर जाते हो आप, तो वो लगते हैं जो मैं नहीं कर पाई पूरे. Well, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के कुछ रिएक्शंस थे जो आप शेयर करना चाहते हो? मुझे लगता था कि उनको ऐसा लगे कि ओ शिट इतनी चोट लग रही है, ओ शिट इतना परेशान हो रही है, नहीं 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 क्यों कर रही है, आ जा वापस. मम्मी मुझे उल्टा बोलती, हाँ तो इतना तो होगा ही, हाँ तो ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा, हाँ तो कोई बात नहीं चोट लग रही है, कोई बात नहीं, यू कीप डूइंग इट. तो उल्टा रिएक्शन था मेरे घर वालों का, तो जबकि मुझे लग रहा था वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, बट दे वर वेरी हैप्पी. वेल, हमने देखा कि जब आप सभी केप टाउन में थे तो कितने BTS आया करते थे कि सभी एक दूसरे के वीडियोस निकालते थे और उन्हें पता भी नहीं होता था, तो लाइक ये वाला एंजॉयमेंट कितना, क्योंकि सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी, तो आपस में वही फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता था. तो कोई हम वैसे तो ऑफकोर्स बहुत कम टाइम हमको मिलता था मस्ती का, हमारी शूटिंग ही चलती रहती थी स्टंट्स, तो बहुत जितना भी टाइम मिलता था हम लोग ऑफकोर्स ऐसी हंसी मजाक खुशी ये सब करते रहते थे. कोई किस्सा शेयर करना चाहती हो आप? किस्से बहुत सारे हैं एक्चुअली. मैं रियलिटी शूट्स बीच में बहुत सारे होते थे ना, तो वो बहुत फन होते थे, बट वो सब एपिसोड का ही हिस्सा थे, तो उसमें कुछ कुछ प्रैंक्स भी हुए थे. अभी वो आया भी है प्रतीक और राजीव वाला, तो कुछ कुछ तो बहुत ही फनी है, वो आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा.